तीर्थों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये तीर्थ वास्तव में जिन्हें हम धर्मस्थल कहते हैं, ये केवल धर्मस्थल नहीं है। सामान्य भौतिक चक्षु से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए वो एक धार्मिक स्थल हो सकता है, लेकिन अगर आप विराट दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास करेंगे, ज्ञान चक्षु खोल करके अगर आप उसको देखने का अवलोकन करेंगे, तो आपको लगेगा कि केवल ये मंदिर नहीं है, ये धाम नहीं है, बल्कि यह तो भारत की एकात्मता का आधार भी है। पूरा भारत इन मंदिरों में आता है, यहां से प्रेरणा प्राप्त करता है, यहां से प्रकाश प्राप्त करता है, एक नई दिशा प्राप्त करता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का दर्शन नहीं करना चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो जीवन में एक बार गंगा स्नान करने की इच्छा न रखता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करने की अभिलाषा न रखता हो? कौन ऐसा भारतीय होगा अगर वह राजनीतिक संकीर्णता के किसी दायरे में कैद होकर के नहीं है, तो जिसको अयोध्या में भगवान राम की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो, जिसको भगवान श्री कृष्ण की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो? और मुझे लगता है हर भारतीय को करना चाहिए। कौन ऐसा भारतीय होगा जो देश के आजादी के नायकों के प्रति सम्मान का भाव न रखता हो? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सरदार भगत सिंह हो, अशफाकउल्लाह खां हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, कौन नहीं इन पर गौरव की अनुभूति करता है? हर भारतीय करता है। ये विरासत का सम्मान। लेकिन चौथा है नागरिकों के साथ समान व्यवहार। हर नागरिक के साथ एक समान व्यवहार भी होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर, अमीर और गरीब के नाम पर, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ ना हो। और पांचवा है नागरिक कर्तव्य। हर नागरिक का अपना एक कर्तव्य होना चाहिए। क्या कर्तव्य होना चाहिए? मैं जीऊंगा तो मातृभूमि के लिए जीऊंगा, कुछ कार्य करूंगा तो मातृभूमि को ध्यान में रखकर के कार्य करूंगा, देश के हित को ध्यान में रखकर करूंगा। और जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में एक भाव आ जाएगा कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट, देश प्रथम का यह भाव जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में आ जाएगा, उस दिन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज की ये संगोष्ठी उसी नागरिक कर्तव्य के साथ, प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण के साथ आपको जोड़ते हुए, उसी नागरिक कर्तव्य के साथ जोड़ने का आह्वान कर रही है। हम भी अपने दायित्व का निर्वहन करें। हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है, जिस फील्ड में है, वह अपने इन दायित्वों का निर्वहन करेगा तो स्वाभाविक रूप से हर एक क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे। एक छात्र है, अच्छा पढ़ाई करे, प्रयास करे, अपने पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अध्ययन करे, अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों में भाग लें, देश और दुनिया की जानकारी भी लें। एक भाव उसके मन में आना चाहिए, आनो भद्रा करतो यंत विश्वत, यानी ज्ञान की धाराएं जहां से भी आ सकती है उसको लेने का प्रयास एक विद्यार्थी का धर्म होना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। एक युवा रोजगार के लिए जा रहा है, अगर कहीं भी उसको नौकरी या रोजगार मिलता है तो पूरी तन्मयता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उस कार्य को पूरा करें। एक शिक्षक अध्ययन अध्यापन के साथ, अध्यापन के साथ तो जुड़ता है लेकिन अपने अध्ययन के क्रम को बाधित भी न होने दे। समाज के जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा, अपने आप ही भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और आज देश के अंदर यह भाव पैदा हुआ है जिसमें हम सबका दायित्व राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम, हमारा मत या मजहब इसके बाद।
हमारा परिवार उसके बाद, हमारा स्वयं का अधिकार उसके बाद चौथे नंबर पर इसका नंबर आएगा। लेकिन दुविधा कब आती है, जब हम अपने स्वयं के कर्तव्य को, स्वयं के अधिकार को सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं और राष्ट्र को सबसे बाद में प्राथमिकता देते हैं, तभी समस्या खड़ी होती है। इसलिए हमें इसको घुमाना पड़ेगा और उसको नागरिक कर्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ते हुए पहले राष्ट्र, फिर मत या मजहब, फिर उसके बाद परिवार और अंत में स्वयं के बारे में, यह बातों को अगर हम एक साथ मिल